बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सहर। तो जनाब, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी बेटी नूर फातिमा की फरमाइश है, और साथ में मुझे याद आया स्कूल ओपन हो गए हैं तो मम्माएँ भी परेशान हो रही होंगी, और जो ख़वातीन जो बाहर ऑफिस वर्क करती हैं उनको भी बाहर भी जाना होता है और फिर घर का भी काम करना होता है, उन बिचारियों पे तो वैसे ही बर्डन होता है। तो हेल्दी और मज़ेदार जो सैंडविच है उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रात को बना के रख दीजिएगा, एक हफ्ते के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हेल्दी मज़ेदार सैंडविच की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आप प्रिपरेशन जो है वो देख लीजिए। पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि ये स्लाइस मेरे घर के हैं, मैंने एक दिन पहले बना के रख लिए थे, ठीक है। अगर आप अपने घर के स्लाइस यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी रेसिपी। और ये देखें, बिल्कुल अच्छे बनते हैं। केचप ये मेरे घर का बना हुआ है, मैं रेसिपी ऐड कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी अभी, क्योंकि टमाटर आपको पता है महंगे हैं इसलिए मैंने अपलोड नहीं की। ये मेरा पहले का बना हुआ है, और ये मायनीज ये भी मेरे घर का होममेड है, ये आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं, ये मैंने अपलोड कर दी है। चलिए जी, अब शुरू करते हैं रेसिपी। आपको चाहिए होगा हाफ ब्रेस्ट बोनलेस चिकन, वो आप सादा बॉईल कर लीजिए और इसे श्रेड कर लीजिए इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए होगा कैबेज, गाजर हाफ कप, और कैबेज आपको चाहिए होगा फुल कप, 3 टेबल स्पून के करीब जो है आप ये ले लीजिएगा शिमला मिर्च, अच्छा लगता है, लुक भी अच्छा आता है, जब हम खाते हैं तो उसमें जायका भी अच्छा आता है। और काली मिर्च ले लीजिएगा आप 1 टीस्पून या फिर 1 टीस्पून, या फिर मैं जब ऐड कर रही होंगी तो जितना मुझे सूटेबल लगेगा वो मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। फिर आपको चाहिए होगा एक अंडा। तो आते हैं अब रेसिपी की तरफ। चले जी, अब इस सैंडविच की प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। मैंने अपने होममेड स्लाइस जो है वो मैंने रख लिए हैं, और इन्हें साइड से मैं निकाल दूंगी, इनको कट कर दूंगी, कॉर्नर्स कट कर दूंगी। ये जो कॉर्नर्स है ये आपके जो हम ब्रेड क्रम्स बनाते हैं उसके काम में आ जाएंगे, ये भी वेस्ट नहीं होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने ब्रेड के जो कॉर्नर थे वो साइड पे कर दिए हैं, इसको मैं ब्रेड क्रम के तौर पर यूज़ करूँगी। इसको मैंने अब साइड रख देना है, और आपको दिखानी है प्रिपरेशन फिलिंग की। तो आप इसके अंदर सबसे पहले ऐड कीजिए मायनीज, घर का बना मायनीज। तो मैंने बोनलेस श्रेड की हुई चिकन, उसमें मायनीज ऐड किया है 4 टेबल स्पून। मायनीज ऐड करने के बाद आप इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दीजिए। ये ऐड करने के बाद आप बिल्कुल बारीक गाजर काट लीजिएगा इस स्टाइल के अंदर, या जैसे आपको बारीक पतली अच्छी लगे, मैंने चौकोर उसमें लिए, ये भी ऐड कर दीजिए हाफ कप। सुबह के वक्त मम्मा जो होती हैं सभी, मैं भी थोड़ी सी ऐसी हो रही होती है, ढीले ढीले से हो रहे होते हैं, तो जल्दी जल्दी रात को करके रख दीजिए और सुबह बच्चों को फ्रेश बनाकर दे दीजिए, वो उसमें सॉरी बनाकर दे दीजिए स्लाइस पर, भले आमेजा बना के रख लीजिए आप, या सेट एक हफ्ते, या आप इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगा के रख दीजिए, तैयार करके रख दीजिए, या मसाला जो ये मैं आपको बता रही हूँ ये प्रिपेयर्ड करके रख दीजिए, जो आपको सूट लगे। ये मिक्स करने के बाद एक हफ्ते फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में आप इसे सेव करके भी रख सकती हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा नमक थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं, और काली मिर्च, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार हो चुका है हमारा फिलिंग का। चलें जी, थोड़ी सी मुझे ब्लैक पेपर काली मिर्च जो है वो कम लग रही है, तो वो मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर रही हूँ, नमक और काली मिर्च ऐड कर दी है मैंने,
ये देखें, तो बच्चा पार्टी खुश हो जाए कि अब आपकी मम्मा बनाएंगी मज़ेदार सैंडविच। तो अब इसके अंदर ये ऐड कर देंगे हम एक अंडा, ठीक है। प्यारे नन्हे नन्हे अच्छे अच्छे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी मज़ेदार सैंडविच, ठीक है। अब ये हमारा जो है रेडी हो चुका है, हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लें। तो अब हम आपको इसकी फिलिंग करके दिखाते हैं। तो इसको हम अब कट कर रहे हैं हल, ठीक है, ताकि इसकी फिलिंग के लिए रेडी हो जाए। ये देखिए होममेड स्लाइस। अब आप मेरे चैनल पे जाएं और घर में मज़ेदार स्लाइस भी बनाएं और मायनीज भी बनाएं। इसके अंदर आप ये डाल दीजिए अच्छे हल्के हाथ से, खूबसूरत से नज़र आए हमारे सैंडविच। अब आप इसमें लगा दीजिए हरा धनिया। ज़रा बीच से जब हम करेंगे कटिंग तो ये लगेंगे खूबसूरत। सॉरी, कटिंग तो हुई हुई है ये जब। अब आप इसको बंद कीजिए। ये देखिए चीज़ लगे भी ना कि भाई बनिए प्यारी सी। हल्के हाथ से इसको प्रेस करें और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने शानदार। एक सेकंड इसको ज़रा लेवल में कर लीजिए ताकि मज़ा आए कि हाँ भाई लुकिंग वेरी नाइस। ये देखा आपने। अब इसी तरीके से मैं आपको सारे प्रिपेयर्ड कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चा पार्टी, आपके मज़ेदार सैंडविच तैयार है। अब मम्मा को भी टेंशन नहीं और यूं ही झटपट बन जाएंगे। रात में प्रिपेयर करके रखे, सुबह आपको दे दिए। एक हफ्ते के लिए आप इसका मसाला बना के भी रख सकती हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी सैंडविच की रेसिपी, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में और ट्राई भी कीजिएगा हेल्दी सैंडविच की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।